फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले, अगर आपको भी स्किन प्रॉब्लम्स रहती है या आपको भी आपकी इम्यूनिटी काफी ज्यादा कमजोर रहता है, आप काफी ज्यादा जल्दी थक जाते हैं कोई काम वगैरह करते हैं तो, और आप चाहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी काफी ज्यादा कमजोर है, तो ऐसी चीजों के बारे में आज की वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट लेके आ गया हूं। ये की तरफ से आने वाला हरित का खंड है, तो चलिए आज की वीडियो में इसके बारे में जानेंगे और क्या क्या इसके फायदे और इससे कैसे इस्तेमाल करना है सारी चीजें आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो के साथ बने रहो, चैनल पे नया हो तो अभी सब्सक्राइब करेगा इस, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ, और वीडियो को लाइक जरूर से करेगा इस, जिससे कि हमें मोटिवेट फील होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स आप लोग इसकी पैकेजिंग देख सकते हो, आपको इस प्रकार के बॉटल पैकेजिंग में देखने को मिलता है। प्लास्टिक बॉटल है और इसके फ्रंट में लिखा होता है बैद्यनाथ नागपुर असली आयुर्वेदा। फ्रेंड्स ये बैद्यनाथ की तरफ से आने वाला प्रोडक्ट है, ये हरित का खंड बिहंत है और फ्रेंड्स ये नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है, हेल्प इन वेटेलेट पित्त एंड स्किन एलिमेंट्स, यानी जो भी आपको पित्त की समस्या है या आपको स्किन के अंदर इन्फ्लेमेशन है या आपकी स्किन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स रहती है आपको स्किन रिलेटेड, तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इस करते इसके बेनिफिट्स के बारे में, किस किन चीज़ों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये त्वचा के रोग में बहुत ज़्यादा लाभकारी है, और जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि अगर आपको भी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लगती है, आप जल्दी थक जाते हो किसी काम में, और फ्रेंड्स ये उन सब चीज़ों में बहुत अच्छे से काम करता है और ये आपकी इम्यूनिटी को नेचुरली बूस्ट करने का काम करता है। ये पित्त की समस्या में बहुत अच्छे से काम करता है और स्किन की जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें भी बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि फ्रेंड्स कफ के अंदर अगर आपको कफ ज़्यादा रहता है, नेजल प्रॉब्लम रहती है और अस्थमा है, तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जो कि आपको हेल्प करती है इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर रखने में। और तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इसकी कंपोजिशंस की। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इसके कंपोजिशंस के अंदर आप देख सकते हो इसके अंदर हरिद्रा, अजवाइन, गिलोय, आमला और इसके अंदर छोटी इलायची, दालचीनी, पिपली, जीरा और ऐसी बहुत सारी चीज़ों को मिला के बनाया जाता है, जिससे कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा असरदारी हो जाता है। फ्रेंड जैसा कि आप बात करते हैं हम इसके डोजेज एंड इसके यूजेस के बारे में, तो फ्रेंड जैसा कि मैं आपको बता दूं इसका डोजेज में आप देख सकते हो इसके पीछे लिखा है 1 से 2 चम्मच आपको दिन में 2 से 3 बार लेना होता है, लेकिन आप अपने डॉक्टर के कंसल्ट से भी ले सकते हो। और अगर आप इसे लेते हो तो मैं आपको बता दूं आपको इसे हल्के गुनगुने पानी के साथ लेना होता है, सुबह शाम दिन में 2 बार लेना होता है और 1 चम्मच आपको इसे लेना होता है पानी के साथ। आप इसे डायरेक्ट खा लीजिए और उसके बाद आपको पानी ऊपर से पी लेना है। और डॉक्टर्स कई बार रेकमेंड करते हैं मिल्क के साथ भी इस्तेमाल करने, यानी दूध के साथ, तो जिन लोगों को दूध के साथ बोला गया तो आप उसके साथ ले सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को दूध जो है वो सूट नहीं होता है, तो आप चाहे तो इसे आप हल्के गुनगुने पानी के साथ भी इसे लेने के साथ ले सकते हो। तो अंदर से आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का दिखता है, इसे आपको 1 चम्मच खा लेना है उसके बाद गर्म पानी पी लेना होता है। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो और ये बहुत ही अच्छा और एक नेचुरल आपके लिए बेस्ट है, और ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है तो इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। बट अभी आप बात करते हैं इसके प्राइस की, तो आप लोग यहाँ पे इसका प्राइस देख सकते हो, इसकी नेट क्वांटिटी 100 ग्राम की और इसका MRP 165 रुपीज़, लेकिन मैंने आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से भी जाके आप इसे ले सकते हो और ये बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है। डेफिनेटली आप इसे इस्तेमाल कीजिए, आपकी सभी प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छे से काम करता है। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। चलिए फ्रेंड्स मैं मिलूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।